बटागन शुपिया में जड़ पे इख्ताम पजीर, हिजबुर लश्कर के आला कमांडर समेत छह मिलिटेंट हलाक, गोलियों के तबादले में एक फौजी जवान भी जांबाक। एनकाउंटर के बाद जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे, फोर्सेज और मुजाहरीन के बीच पुरतशद्दुद झड़पें, झड़पों में मुतअद्दिद मुजाहरीन जख्मी, कई मुजाहरीन श्रीनगर अस्पताल मुंतकल, इलाके में हालात कशीदा। किश्तवाड़ और डोडा में वोट शुमारी के दौरान दो ग्रुपों में झड़पें, एक की हुई मौत, कई अफराद जख्मी, पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करते हैं जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर के बटागुंड शुपिया में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में छह मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना था कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर बटागुंड शुपिया का महासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन नामी मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता छह मिलिटेंटों को हलाक किया है, जबकि गोलियों के इस तबादले में एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है, जो कि बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। हलाक हुए मिलिटेंटों से फोर्सेस ने भारी मिकदार में हथियार भी बरामद किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त मुश्ताक अहमद अब्बास, वसीम वगे, उमर मजीद गनाई, खालिद फारूक के बतौर हुई है, जबकि एक मिलिटेंट गैर मुल्की बताया जाता है। जांबाक हुए फौजी जवान की शिनाख्त नजीर अहमद कुलगाम के रहने वाले हैं के बतौर हुई है। उधर मिलिटेंटों की हलाकत के बाद फोर्सेज और मुजाहरीन के दरमियान कई मकामात पर झड़पें हुई, जिस दौरान मुजाहरीन ने फोर्सेज एहलकारों पर संग का इस्तेमाल किया, जबकि फोर्सेज एहलकारों ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए अशिकावर गोले और गोली का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नौजवान जख्मी हुए हैं, जिनमें शदीद तौर हुए जख्मी नौजवानों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकल किया गया है। हालात को देखते हुए इंतजामिया ने जिला शुपिया, कुलगाम और पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया है, जबकि कई हसास मकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है, जबकि बताया जाता है कि इलाके में शुपिया कुलगाम में हालात कशीदा है। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं सीधा जनूबी कश्मीर, जहां इस वक्त हमारे साथ हैं फिदा हुसैन। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, जिस तरह से आज बटागुंड शुपियान में एनकाउंटर हुआ, छह मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि एक फौजी जान, उसके बाद जिस तरह से एनकाउंटर के बाद एहतजाजी मुजाहरे झड़पे, उस हवाले से क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए गौहर, की बटागुंड शोपियान में अगर वहाँ पे झड़प हुई है, लेकिन हालात जो है वो काफी कशीदा हो चुके हैं, जिला कुलगाम में भी, जिला पुलवामा में भी। जब ये खबर फैल गई कि बटगुंड शोपियान में छह मकामी जंगजू जो है वो हलाक हुए और उसमें एक फौजी एहलकार भी हलाक हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे जो मुजाहरीन है वो बटागुंड पहुंच गए और बटागुंड पहुंच कर उन्होंने वहाँ पे फिर से उस झड़प जहाँ पे झड़प थी वहाँ पर पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस झड़प को रात के दौरान ही बताया जाता है, जो पुलिस जरा है उनका यही कहना है कि ये झड़प जो है ये इख्तिताम पसीर हुई थी सुबह 5 बजे ही, लेकिन जो वहाँ काफी ज्यादा मलबा था और उस मलबे को हटाने के लिए वहाँ पर फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस लगी थी, लेकिन बाहर से जब मुजाहरीन उस इलाके में पहुंचने की कोशिश की जहाँ पे झड़प थी, तो उस झड़प में कई सारे मुजाहरीन के जख्मी होने की खबर है, जिसमें से दो जो है वो काफी उनको काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया और बताया ये जाता है कि जो वहाँ पे एनशाइजीन है उनको वहाँ पे गोली लगी थी, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। और हमारे जो वहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि उनकी जो है वो हलाकत भी हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन बहुत सारे मुजाहरीन जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, कुछ को वहाँ पे शोपियान के अस्पताल, जिला अस्पताल ले जाया गया, कुछ जख्मियों को पुलवामा ले जाया गया और कुछ जख्मियों को श्रीनगर रेफर किया गया है,
जिनकी हालात जो है नाजुक बताई जाती है। तो गवर मैं बता दूं कि ये शोपियां ऐसा इलाका है जहां पर जब भी कभी झड़प होती है तो मुजाहिरीन जो है वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और वो उस झड़प मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पे ये मिलिटेंट छुपे होते हैं, और उनकी यही कोशिश रहती है कि वहां पर जितने भी मिलिटेंट है वो भागने में कामयाब हो जाए। लेकिन आज की जो झड़प है ये रात के दौरान इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था, उसके बाद जो ही तलाशी अभियान जो चलाया गया तो उसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ और ये गोलियों का तबादला कई घंटों तक इलाके में जारी रहा और आसपास के जितने भी इलाके हैं वो दहल उठे और उनका यही कहना था कि हमें लगा कि कहीं ना कहीं पे झड़प हुई, लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ तो उसके बाद यही पता चला कि बटगुंड शोपियान में झड़प हुई जहां पे 5 से 6 जो मकामी मिलिटेंट है वो एक घर में पना ले रखे हैं और उसके बाद उस घर को निशाना बनाया गया यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से शुपियां में जो एनकाउंटर हुआ है, अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करेंगे तकरीबन 3 अलग अलग झड़पों के दौरान 18 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। जिस तरह से आज एनकाउंटर के बाद झड़पें हुई है और इसमें बताया जाता है कि कई नौजवानों के साथ साथ एक 3 साल बच्ची भी शामिल है जो पैलेट लगने से जख्मी हुई है, और इसके साथ ही ये भी बताया जाता है, जरा से खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर में इस वक्त अगर हम शुपियां की बात करेंगे, कुलगाम की बात करेंगे, वहां पे हालात जो है काफी कशीदा है। देखिए गौहर के अगर कुल मिलाकर देखा जाए इन तीनों अजलाओं की, जहां 3 साल जो कमसिन बच्ची है वो भी जख्मी हुई है पैलेट की वजह से और उनकी आंख में पैलेट लगे हैं जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसकी हालात जो है खतरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन जिस तरह से पिछले 12 दिनों की बात की जाए तो जिला शोपियान और जिला अनंतनाग में, अगर जिला अनंतनाग के बीच बहरा की बात करेंगे जहाँ पे 2 दिन पहले 6 मकामी जो मिलिटेंट है वो झड़प में हलाक हुए और 2 दिन के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी है फौज के लिए। जैसे कि फौज ये बार बार कहती है कि अब हमारी सारी नजरें जो है वो जनूबी कश्मीर में है, क्योंकि जनूबी कश्मीर में सबसे ज्यादा जो फिगर है वो जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां, जिला अनंतनाग, जिला पुलवामा में है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो इन तीनों अजलाओं में अभी हालात काफी कशीदा दिखाई दे रहे हैं और हालात को काबू में रखने के लिए जहां जिला इंतजामिया ने पहले ही इंटरनेट को वहां पे बंद किया है तीनों अजलाओं में, चाहे वो शोपियान हो, पुलवामा हो या कुलगाम हो, लेकिन अनंतनाग को छोड़ के अगर इन तीनों जरा से खबर आ रही है कि एनकाउंटर साइट पर जो नोमान नामी एक नौजवान जख्मी हुआ है, बालसू विलेज यारीपुरा कुलगाम का रहने वाला है, वो जख्मों की ताब नलाते हुए उसको गोली लगी थी और वो अस्पताल में जख्मों की ताब नलाते हुए दम तोड़ बैठा। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं आपसे जानना चाहेंगे? देखिए गौर, जहां सिविलियन की बात की आपने, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया की जो आजाद जराए हैं उनका यही कहना है की 2 सिविलियन की जो है वो हलाकत हुई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक उसकी तस्दीक होनी बाकी है। लेकिन जो अस्पताल इंतजामिया है उनका ये कहना है की 2 सिविलियन की मौत हुई है, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक होनी बाकी है। लेकिन अभी तक जो देखा जाए, अगर शोपियान की हालात देखी जाए तो शोपियान में हालात काफी कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि ये 6 जो मकामी मिलिटेंट है और इसमें से एक मिलिटेंट ऐसा भी है जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर जो है काफी वायरल हो गई थी, जो लाल चौक घंटाघर के बाहर उसने अपनी एक तस्वीर ले ली थी और ये बताया जाता था कि जो मीटिंग श्रीनगर में हुई थी जिसमें कई सारे बड़े टॉप कमांडर्स ने उस मीटिंग में की थी उसमें से ये भी एक है और वो भी उस इस झड़प में जो है हलाक हुए हैं। लेकिन अभी तक जो हालात बने हुए हैं पूरे जनूबी कश्मीर के तीनों अजलाओं में काफी टेंस है इन तीनों अजलाओं में, और जिला इंतजामिया ने यहाँ पे इजाफी नफरी को भी लगाया है हस्तास मकाम पे, जहाँ कहीं पे भी जो, क्योंकि अब इनके आखिरी रसूमात भी होने जा रहे हैं, कब होंगे कैसे होंगे, लेकिन अब जिला इंतजामिया की सारी नजरें जो है यही कि अब और सिविल डैमेज यहाँ नहीं होना चाहिए और उसको रोकने के लिए और इजाफी नफरी यहाँ पे यहाँ खबर ये भी आ रहे हैं कि जो झड़प में 6 मिलिटेंट मारे गए उनमें 1 गैर मुल्की और जो दीगर 5 मकामी मिलिटेंट हैं उनमें से कई आला कमांडर जो हिजब और लश्कर तोयबा तंजीमों से वाबस्ता है, कई आला कमांडर भी शामिल है। देखिए गौहर, अगर पिछले 4 दिनों की बात की जाए, पिछले 4 दिनों में 2 झड़पें, इन झड़पों में
छह मिलिटेंट जो है वो जिला अनंतनाग में हलाक हुए और जिला शोपियान में हलाक हुए हैं। इन दोनों जगहों की अगर देखा जाए, दोनों जगहों पर लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों ग्रुप के मिलिटेंट मौजूद थे। और आज शोपियान की भी अगर बात की जाए, शोपियान में भी लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जो छह मिलिटेंट थे वो बताए जाते थे, वो वहां पर छुपे हुए थे। और ये भी खबर आ रही कि वहां पर एक एला सती मीटिंग जो है वो इन दोनों दोनों ग्रुप्स की होनी थी वहां पर, लेकिन जब फौज को वहां पर मुसद्दक का इत्तला मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हुए जिनमें टास्क कमांडर्स है, लेकिन जैसे कि आपने खुद भी बता दिया कि इसमें एक गैर मुल्की बताया जाता है, लेकिन अभी जो है उसकी पहचान होनी बाकी है। लेकिन पांच जो मिलिटेंट है वो मकामी मिलिटेंट है, क्या छठा मिलिटेंट भी मकामी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस बारे में कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया क्या वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। लेकिन पिछले तीन दिनों की अगर बात की जाए, पिछले तीन दिनों में 12 मिलिटेंट जो है जो मकामी बताए जाते हैं एक को छोड़ के, क्योंकि अभी उसकी जो तस्दीक है वो बाकी है, लेकिन अभी हालात जो है वो काफी खराब है यहाँ पे जिला शोपियान में। और अभी ये लहर जो है जिला कुलगाम में भी दिखाई दे रही है और जिला पुलवामा में भी दिखाई दे रही है। अब इन तीनों अजलाओं में सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है ताकि अमन कानून को बहाल रखा जाए, लेकिन इंटरनेट को तीनों अजलाओं में डाउन किया गया है। अब ये देखना होगा जो ही वक्त गुजरेगा तो हालात किस करवट बैठते हैं, ये तो आने वाले घंटों में ही पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे जनूबी कश्मीर से फिदा हुसैन, जो तफसीलात फराहम कर रहे थे जिस तरह से आज भट्टागुंड शोपियां में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में छह मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें छह मकामी मिलिटेंटों में बताया जाता है कि छह में से पांच मकामी हैं जबकि एक गैर मुल्की बताया जाता है। तमाम पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुआ है, जबकि इनकाउंटर के बाद वहां एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। पुलवामा जनूबी कश्मीर के तीनों अजला में, शोपियां की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे या कुलगाम की, मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाजी मुजाहरे झड़पें हुई फोर्सेज और नौजवानों के दरमियान, जिस दौरान बताया जाता है कि मुतअद्दिद जो है मुजाहरीन जख्मी हुए हैं, जिनमें से बालसू कुलगाम का रहने वाला एक नौजवान, नौमान नामी एक नौजवान बताया जाता है कि वो गोली लगने की वजह से वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा है। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई इस खबर की तस्दीक होनी बाकी है। किश्तवाड़ के मुगल मैदान में गुज़श्ता रोज उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब वोट शुमारी के दौरान एक उम्मीदवार के हामियों ने बीडीओ के दफ्तर पर हमला किया और बैलेट पेपर और दीगर दस्तावेजात को अपने साथ लेकर चले गए हैं, जबकि हमले में पोलिंग स्टाफ के कई अफराद भी जख्मी हुए हैं। उधर डोडा के जोरा पंचायत में भी वोट शुमारी के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में साबिक फौजी ऑफिसर मोहम्मद हफीज जांबाक हुए हैं जबकि कई अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामले की नस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है जबकि कई अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। किश्तवाड़ में क्या कुछ तफसीलात हैं, इस हवाले से चलते हैं सीधे किश्तवाड़, जहां हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अजय शाह। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं, जिस तरह से मुगल मैदान में गुज़श्ता शाम जो है दो ग्रुपों के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई है, बीडीओ ऑफिस के दफ्तर पर हमला हुआ है, कई दस्तावेजात वो अपने साथ ले गए, उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? जी गौर, ये हादसा कोई कल 11-11:30 के बीच में रात को हुआ है, जहाँ काउंटिंग चल रही थी। मुगल मैदान ब्लॉक का रालथल पंचायत है, जिसके सरपंच के जो वोट जब गिने जा रहे थे तो एक लास्ट राउंड जब चल रहा था तो बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट हार रहा था तो उसके जो उसके सपोर्टर्स थे करीब 300 से 400 लोग, उन्होंने एकदम से जो बीडीओ ऑफिस जहां मुगल मैदान में है उस वहीं पे काउंटिंग हो रही थी तो उन पे हमला बोल दिया, जिसमें उन्होंने आरओ को जख्मी किया और जो वहां मुलाजम तैनात थे उनको जख्मी किया। जिसके अलावा बताया जा रहा है कि वहां से जो वोट थे जिनको गिना जा रहा था या गिन चुके थे वो भी अपने साथ ले गए हैं और काफी उन्होंने वहां पे एक तोड़फोड़ कर दी है, जिसके बाद आला इंतजामिया के जो डीसी एसपी और फौज के कुछ ऑफिसर वहां पहुंचे तो हालात को काबू किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे किश्तवाड़ से अजय शान। अब डोडा चलते हैं जहां इस वक्त हमारे साथ है कहर सिंह, इस हवाले से तफसीलात जानने की। जोरा पंचायत हिलके में जिस तरह से दो ग्रुपों के दरमियान जो है झगड़ा हुआ है, जिसमें एक फौजी ऑफिसर जो साबिक फौजी ऑफिसर उसकी मौत वाकई, कहर सिंह क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से?
जी कल तीसरे फेज का चुनाव जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर होना था, और ये ठाठरी के अंदर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक जोड़ा इलाका है। वह उस पंचायत में रात को जब काउंटिंग के बाद जब जो विनर पार्टी थी उन वो विक्टोरी को लेकर जो खुशियां मनाने लगी, नाच डांस चल रहा था, ढोल नगाड़े चल रहे थे, इतने में जो लूजर पार्टी थी उनकी ओर से पथराव किया गया और वो साइड में तमाशा देख रहे थे। रिटायर्ड कैप्टन फौजी हफीज अहमद उनका नाम था और उस साइड में तमाशा देख रहे थे, उनको जाकर पत्थर लगा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उतने में वो जो एसपीओ था वो वायलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसको भी एक पत्थर लग गया और वो भी जख्मी है। तो इस हवाले से पुलिस ने क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई है? जी हाँ, अभी अभी हमारी कोई 10 मिनट पहले बात एसपी जो राजेंद्र सिंह जी हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि कल शाम को हमने 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन ऐसा अभी तक हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि पहले पूछताछ की जा रही थी आखिर में वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको पत्थर मारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहर सिंह आपका। ये थे डोडा से कहर सिंह जो तफसीलात फराम करे थे। जिस तरह से डोडा के राजू इलाके में जोरा पंचायत हल्के में जिस तरह से वोट शुमारी के दरमियान दो ग्रुपों के दरमियान जो है तसादुम लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके बाद एक फौजी ऑफिसर रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को सर पर पत्थर लगने की वजह से उसकी मौत वाका हुई है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल करेगी और रियासत का वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, जिसकी मिसाल बल्दियाती इंतखाबात में देखने को मिली है। पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय इलेक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की बनानी है, हमने जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाना है। 4+ हम तो कोशिश करेंगे 50 सीटें लें, हम हमारे कुछ गठबंधन के सहयोगी भी होंगे, लेकिन हमारा अपना एक मिशन है इस बार मेरा कि मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ असेंबली के अंदर हमारे एमएलए जाएं, यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो, यहां भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ एमएलए जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हो, ऐसा माहौल हम बनाएंगे और हम जीतेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता को मालूम है, ठीक है। एक तो दिल्ली में मोदी जी ने वापस आना है, मोदी जी जीत के आएंगे, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो बल्ले बल्ले हमारी जनता। जम्मू तो है ही बीजेपी है, जम्मू का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी इस बार जो मेयर बना बीजेपी की सपोर्ट से बना, साउथ कश्मीर के 9 म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स बीजेपी के हैं, लेह का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बीजेपी का है। रियासती इंतजामिया कौंसल का इजलास जहां हाल ही में सत्यपाल मलिक की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के कामकाज को लेकर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद इंतजामी कौंसल ने जम्मू कश्मीर बैंक के कामकाज में मजीद बेहतरी लाने और बैंक को जवाबदेह बनाने के लिए इस इदारे को आरटीआई और पीएससी के दायरे में लाने का फैसला किया है। वहीं पर इस फैसले के आने के बाद अवामी और सियासी हलकों से मुख्तलिफ आवाजें सामने आ रही है, जहां आरटीआई के हवाले से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है, वहीं पर पीएसयू के दायरे में लाने पर नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं केटीएमएफ के सदर यासीन खान। यासीन खान, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से काउंसिल की जानिब से रियासती इंतजामिया काउंसिल की जानिब से फैसला किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है इसको आरटीआई के दायरे में लाने के साथ साथ पीएसयू के दायरे में भी लाया गया है, क्या कुछ इस फैसले से हवाले से आपके तासरात हैं, इस फैसले को आप कहाँ पे सही मानते हैं? देखिये, पहले हम जब पीएसयू की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमने ऑलरेडी जो रियासत जम्मू कश्मीर में पीओसी जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, या जेके इंडस्ट्रीज जैसे बिमना मिल्स वगैरह थी, उनका हम हाल देख चुके हैं। क्या ये उसी हवाले से इस एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके आना चाहते हैं, या क्या मजबूरी पड़ी इन लोगों को कि 80 साल के बाद ऐसा इकदाम लेने की
जो लेना जरूरी नहीं था। आरटीआई के हम खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बैंकों में, चाहे चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन इसको उस आड़ में इस एक फाइनेंशियल इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की जहां पे मुझे साजिश लग रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ये इदारा जो आपने अभी जिनका मैंने नाम लिया वो इदारे कहां पे पहुंचे हुए हैं, और इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसको जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर आज अगर प्रॉस्परस है तो वो इसी इदारे की वजह से है, क्योंकि दूसरा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लैंडिंग नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन कोई 20,000 के करोड़ की लैंडिंग जम्मू कश्मीर बैंक ने की हुई रियासत जम्मू कश्मीर में। क्या जब ये सारी चीजें हो जाएंगी और इसको हर एक के हद इख्तियार में दिया जाएगा तो उस वक्त इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की हालत क्या रहेगी, और इस पे ये फैसला लेना कि 59% के करीब करीब का गवर्नमेंट का शेयर है, अगर 41% लोगों का शेयर है, क्या उनसे पूछा गया? क्या उनसे पूछा गया? क्या कल को अगर दूसरे इदारों की तरह रियासत जम्मू कश्मीर के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का हाल हुआ तो जिनके पैसे इसमें लगे हुए हैं तकरीबन कोई 60,000 करोड़ के करीब करीब लोगों का पैसा लगा हुआ, जिसमें मेजॉरिटी का पैसा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का है जो गरीब तबके से वाबस्ता हैं, उन लोगों ने अपनी पूंजी जो अपनी अपनी जो पूंजी जो भी थी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम थे या रिटायर्ड बिजनेसमैन थे जो जो अब बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं या कहीं और तरीके से उनके पास पैसा था या उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्हें बेच के इस बैंक में इसलिए नहीं लगाई है कि गवर्नमेंट इसका फैसला खुद करे। मैं चाहता हूं कि ये फैसला रोल बैक होना चाहिए और जो इसके बाकी स्टेक होल्डर्स हैं 41% उनसे भी पूछा जाए, क्या ये हक सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की उस सरकार को है जिनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था? क्या ये इलेक्टेड गवर्नमेंट फैसला लेती या जो इंटरिम गवर्नमेंट आज आई हुई है? देखिए ना, ये मेकशिफ्ट गवर्नमेंट है, ये कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि जो लोगों के इलेक्टेड है वो ये फैसला ले ले, ऐसा फैसला इनको नहीं लेना चाहिए। आरटीआई के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके और भी थे, हाँ ट्रांसपेरेंसी के हम हक में हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मसला जो जिसपे कहीं पे भी खुर्द या कोई और चीज होए इसको उस आड़ में ना देखा जाए, इसको इस चीज के हवाले से देखा जाए कि इस इंस्टीट्यूशन को कहां पे लेके जा रहे हैं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन खान आपका। ये थे प्रेसिडेंट केटीएमएफ कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट यासीन खान, जो बात कर रहे थे जिस तरह से काउंसिल की जानिब से रियासती इंतजामिया काउंसिल का इजलास जो हाल ही में मुनक्कद हुआ गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में, जिस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के कामकाज को लेकर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इंतजामिया काउंसिल ने जम्मू कश्मीर बैंक के काम में मजीद बेहतरी और शफाफियत लाने को हवाले से बैंक को जवाबदेह बनाने के लिए इसको इदारे को आरटीआई और पीएसयू के दायरे में लाया गया है। इस हवाले से अगरचे आरटीआई के दायरे में लाने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से फैसला लिया गया है और इसे फैसले के हक में लोग का कहना है कि यह एक अच्छा फैसला है, इसमें मजीद शफाफियत और बेहतरी लाई जा सकती है, बल्कि जो पीएसयू के दायरे में लाने के हवाले से कई खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। वलद्रमन अंदरू शांगस के लोगों ने शिकायत की है कि एमजी नरेगा के तहत इलाके में सड़क पर जारी काम पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने के साथ साथ काम काफी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, जिसकी वजह से सर्दी के इस मौसम में मकामी लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे के अफसरान से अपील की है कि मजकूरा सड़क पर काम को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।